हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम आम भाषा में दाद बोलते हैं, रिंग वर्म बोलते हैं और मेडिकल भाषा में टीनिया इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जो काफ़ी लोगों को परेशान करता है और काफ़ी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। किसी न किसी वजह से ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो रही और लोगों में ये बीमारी कंटेजियस से फैलती है। घर में एक परिवार में किसी एक सदस्य को हो जाए तो दूसरे सदस्य को भी फैल जाती है। इस वजह से हम हमारे प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स इस फंगल इन्फेक्शन से, स्किन इन्फेक्शन से परेशान है और किसी न किसी वजह से ठीक नहीं हो पा रहा। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि फंगल इन्फेक्शन को कैसे जल्दी ठीक कर सके, जल्दी ठीक भी हो जाएगा और सस्ता भी इलाज होगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को अंत तक आप देखिए, सुनिए और समझिए कि फंगल इन्फेक्शन को आज हम कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। 50% से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन से जो पीड़ित लोग हैं वो सिर्फ लगाने की दवाई, लोकल एप्लीकेशन से ठीक हो सकते हैं। कैसे, जानिए। हम दो तरह के ट्यूब्स या क्रीम बताएंगे आपको जो लगानी है। एक तो सुबह लगानी है और एक दवा रात को लगानी है। सुबह लगानी है आपको कैंडिड क्रीम या केनस्टेन क्रीम। ये दो तरह की ट्यूब्स हैं, दवाई एक ही है। जो भी आपको मिल जाए, या कैंडिड मिल जाए या केनस्टेन मिल जाए, इसके अंदर दवाई है क्लोट्राइमेजोल। दोस्तों, ऐसे इस तरह की ट्यूब्स आएंगी, केनस्टेन या कैंडिड, दवाई इसमें एक है। ये आपको लगानी है सुबह, और जो रात को लगानी है वो लोशन है LT MAC लोशन, ये रात को लगानी है। मैं आपको वही ब्रांड नेम्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद पर्सनल ट्राई किया और जिसके मुझको 100% रिजल्ट्स मिले हैं। तो जो कैंडिड क्रीम है, केनस्टेन क्रीम है, ये आप लगाएंगे सुबह, और जो LT MAC लोशन है वो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ये लगाना है आपको रात को। तो दो एप्लीकेशन हो गए, सुबह रात को। किस तरह से लगानी है वो मैं बताता हूँ। जो लगाने की दवाइयाँ हैं, लोकल एप्लीकेशन, उनमें कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जो भी मानो ये आपका दाद है, ये जो दाद है इसके बाहर से दवाई लगाना शुरू करना है आपको। जैसे हम बाहर से शुरू कर रहे हैं, बाहर भी कम से कम जो दाद का जो बॉर्डर है, जो रिंगवर्म का बॉर्डर है, कम से उधर से 2 सेंटीमीटर दूर से शुरू करना है। बाहर से लगाते 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 आपको अंदर की तरफ आना है, बाहर से लगाते लगाते अंदर की तरफ, ताकि ये फैले नहीं। कई बार हम उल्टा लगाते हैं ना, तो फैलने का डर होता है। तो एक बात का इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा बात ध्यान रखना है, दिन में 2 बार लगाना है। जैसे सुबह ये लगा लिया कैंडिड, शाम को LT MAC लोशन 2 बार लगा लिया। तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि ठीक होने के पश्चात भी, मानो आपका दाद ठीक हो गया, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, ठीक होने के पश्चात भी 2 हफ्ते तक आपको ये दवा लगानी है, लोकल एप्लीकेशन, सुबह एक दवा, शाम को। आप पूछेंगे कि 2 टाइप की दवा क्यों? क्योंकि दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन भी कई फंगस होते हैं, 2-3 प्रकार के फंगल इन्फेक्शन मिक्स्ड होते हैं। तो दो तरह की दवा यूज़ करने से डबल अटैक होता है और फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो तीसरा मेडिसिन हम यूज़ करेंगे लोकल एप्लीकेशन की बात, वो है शैम्पू। दोस्तों, ये शैम्पू कैसे लगाना है? जैसे शैम्पू हम नॉर्मली लगाते हैं सुबह नहाते समय, जब सुबह नहाते हैं हम अपने शरीर को पानी से गीला करना है, और गीले करने के पश्चात ये शैम्पू है, इसके नाम बता रहा हूँ मैं आपको, कीटोसिप शैम्पू, या तो कीटोसिप या स्काल्प, ये दो नाम बता रहा हूँ मैं आपको, कीटोसिप या स्काल्प। कीटोसिप ये सिप्ला कंपनी का है, स्काल्प ये ग्लेनमार्क कंपनी का है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। खासकर ये कीटोसिप शैम्पू तो ज़रूर हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, कीटोसिप और ये स्काल्प, इनकी फ़ोटोज़ में आपको साइड में बताता रहूँगा। दोस्तों, जो शैम्पू है इसके अंदर भी एंटी फंगल मेडिसिन है, कीटाकोनाजोल। तो ये ट्रिपल अटैक कर रहे हैं हम हमारे फंगल इन्फेक्शन पे। तो कीटाकोनाजोल जो शैम्पू है, ये आपको सुबह नहाते समय शरीर को गीला कर लो, और जिधर जिधर भी आपको दाद है उधर तो लगाना ही है, और बाकी शरीर पर भी थोड़ा बहुत, जिधर आपको ऐसे महसूस हो भाई इधर हो सकता है, उधर भी शैम्पू लगाकर इस शैम्पू को कम से कम 5 से 10 मिनट रखेंगे आप, मिनिमम 5 मिनट रखेंगे। 5 मिनट पश्चात आप नहा सकते हैं, और नहाने के बाद में अच्छे से बॉडी को ड्राई करना ज़रूरी है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन से गीली जगहों पर, मॉइस्ट जगहों पर, जिधर पसीना ज़्यादा आता है, जिधर शरीर गीला रहता है, उधर ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं, उन ग्रो होते हैं। इसलिए
जो तीसरा अटैक हम फंगल इन्फेक्शन पे कर रहे हैं वो है शैम्पू का, कीटोसिप या स्काल्प शैम्पू, जो आपको आराम से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ लगाने की दवाई से, दो तरह के लोशन क्रीम और एक शैम्पू लगाने से हम फंगल इन्फेक्शन को आराम से आसानी से ठीक कर सकते हैं, अगर हम सही समय पर इलाज शुरू करें। कुछ केसेस में दोस्तों, कुछ पेशेंट्स में अगर फंगल इन्फेक्शन मानो कि कई दिन हो गए या जो इन्फेक्शन है वो शरीर पे एक्सटेंसिव है, काफ़ी दूर में फैला हुआ है, या तो फंगल इन्फेक्शन पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, कई दिनों से पेशेंट पीड़ित है, आप कई दिनों से फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, या आपके शरीर पे कई दूरी पर ये फैल चुका है, या आपने कुछ ऐसे ट्यूब्स लगा लिए मेडिकल स्टोर से लाकर बिना डॉक्टर की सलाह से, जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन फैल गया, जैसे कि स्टीरोइड क्रीम्स आते हैं, बेटनोवेट वगैरह, तो उस केसेस में आपका लोकल एप्लीकेशन के साथ में कुछ दवा भी खानी पड़ेगी, एंटी फंगल मेडिसिन, जिनसे आप फंगल इन्फेक्शन से मुक्त हो सके। तो मानो कि जो अभी अगर लगाने की दवाई से हमको अगर डॉक्टर को लगेगा कि ठीक नहीं हो सकते, तो इन केसेस में आपको दवाई खानी पड़ेगी। जो टैबलेट्स हैं वो आपके बारे आपको हम बताते हैं। टैबलेट टर्बिसिप 250, टर्बिसिप यानी टर्बिनाफिन इसमें दवाई का नाम है, पर हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको सिर्फ टर्बिसिप बताएंगे। सिप्ला कंपनी की दवाई आती है टर्बिसिप 250 mg, इस तरह से दिखेगी ये। तो दोस्तों टर्बिसिप टैबलेट का कोर्स भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं, हो सकता है दो हफ्ते तो मिनिमम लेना पड़ेगा, दो हफ्ते से अगर आपको ज़्यादा तकलीफ डॉक्टर को लगेगी तो हो सकता है आपको 4 से 6 हफ्ते भी दे। अगर हो सकता है कि टर्बिसिप टैबलेट डॉक्टर को लगे कि इन्फेक्शन ज़्यादा फैल चुका है, एक्सटेंसिव है, और टर्बिसिप टैबलेट काम नहीं करेगा, तो जो मेन आज के समय में जो मेन दवाई है एंटी फंगल मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा कारगर पाई गई है वो है कैंडी फोर्स 200, ये ब्रांड नेम बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर जो दवाई है वो है इट्राकोनाजोल, इस तरह से कैप्सूल्स आते हैं दोस्तों इट्राकोनाजोल के। तो इट्राकोनाजोल कैप्सूल अगर डॉक्टर को लगेंगे कि बीमारी आपकी ज़्यादा फैली हुई है, एक्सटेंसिव है, पुरानी हो गई है, क्रोनिक हो गई, 6 महीने 12 महीने पुरानी हो गई है, या आपने ऐसी कुछ ट्यूब्स लगा ली हैं जिससे वो फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होने वाला, तो कैप्सूल इट्राकोनाजोल डॉक्टर्स आपको देंगे। उसके साथ में आपको ये सब करना है, कैंडिड लोशन, कैंडिड क्रीम सुबह, अल्टीमैक लोशन और शैम्पू तो करना ही करना है। इसके साथ में या तो डॉक्टर टर्बिसिप देंगे आपको या डॉक्टर देंगे आपको कैंडी फोर्स। अगर डॉक्टर्स को लगेगा कि थोड़ा ही इन्फेक्शन है, जल्दी ठीक हो सकता है, तो 2 हफ्ते तो मिनिमम, ये तो 4 से 6 हफ्ते भी आपको इनमें से कोई दवा या दोनों दवा भी कई बार लेनी पड़ सकती है दोस्तों। तो हम अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों जो भी फंगल इन्फेक्शन है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही इसको सावधानी से कोर्स पूरा करना ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं पेशेंट्स को थोड़ा आराम मिल जाता है तो वो इलाज को आधा छोड़ देता है, दोस्तों बहुत ही खतरनाक साबित होगा आपके लिए, क्योंकि फिर ये फंगल इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं पेशेंट्स, कई पेशेंट्स 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल 4 5 साल तक इस बीमारी से जूझते रहते हैं, परेशान रहते हैं दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और इस पर गौर कीजिए। दोस्तों ये तो ट्रीटमेंट था। अगर आप हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया है हमारा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, जी हाँ, जहाँ पर धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, उमस ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा आता है, या आप हार्ड वर्किंग हैं जिससे आपको पसीने से परेशान होने पड़ते हैं, तो आप हो सकता है इस फंगल इन्फेक्शन का वेट क्यों कीजिए। आप ऐसा कुछ सोप्स आते हैं, साबुन आते हैं नहाने के लिए, जिनसे आपको फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिवेंशन, अब तो हम आपको क्योर बता रहे थे, प्रिवेंशन भी। प्रिवेंशन के लिए 2 तरह के सोप्स आते हैं, साबुन आती हैं, एक है कीटोस्टार सोप और दूसरा है टेटमोसोल सोप। टेटमोसोल सोप दोस्तों इस तरह से मिलती है, टेटमोसोल, इसके अंदर सल्फर दवाई है, सल्फर है, सल्फर इज अ बहुत ही अच्छी एंटी फंगल मेडिसिन है, एंटी बैक्टीरियल भी है। ये स्किन के अंदर जो भी इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सबको मारती है। तो दोस्तों आप इस टेटमोसोल सोप का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित ना हो। और दूसरा ऑप्शन है कीटोस्टार सोप, इसके अंदर जो, जैसे हमने आपको शैम्पू में बताया था जो दवाई है कीटोकेनोजॉल, कीटोस्टार सोप। तो दोस्तों कीटोस्टार सोप या टेटमोसोल सोप, इस साबुन का आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आप फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित ही ना हो। और हम और भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आपने पूरा ट्रीटमेंट ले लिया
और फिर आप इस कीटोस्टार या टेटमोसोल सोप से कई दिनों तक नहाइए, इसको यूज़ कीजिए ताकि आपको बार बार रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन न हो। तो दोस्तों इस तरह से फंगल इन्फेक्शन आपका 100% क्योर हो सकता है। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, यानी कि फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। जो डूज है वो हमको बताते हैं, जो आपको करना है। हमेशा आपको दिन में दो बार नहाना है अगर आपको हॉट ह्यूमिड कंडीशंस में रहते हैं, जिससे कि आप पसीने से बच सकेंगे। कपड़े जो पहनने हैं आपको वो एकदम लूज़ पहनने, लूज़ यानी कि ढीले कपड़े। टाइट कपड़े पहनने से क्या होता है कि पसीना ज़्यादा आता है और आप फंगस इन्फेक्शन से पीड़ित होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों को आपको अवॉइड करना है ताकि आपको पसीना वगैरह ज़्यादा नहीं आए। जो भी आप कपड़े पहनते हैं आपके, उनको हमेशा गर्म पानी से धोना है। अगर खासकर आपको फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, तो जो भी कपड़े आपको उनको गर्म पानी से धोइए, क्योंकि गर्म पानी से, हॉट वाटर से ये जो फंगस है वो मर जाता है। गर्म पानी से धोकर उनको धूप में सुखाना है। धूप में जो हॉट सनलाइट होगी, गर्म सनलाइट होगी, उससे भी कीटाणु मरता है। और कपड़े को आयन करके पहनिए, प्रेस करके पहनिए, तो इससे जो आपके जो फंगस इन्फेक्शन ठीक होने में मदद होगी। कपड़े आपको लूज़ पहनने हैं, जीन्स वगैरह टाइट कपड़े अवॉइड करने हैं, और एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आपके आर्म्स हैं, ग्रॉइंस वगैरह हैं, जांग वगैरह, यहाँ पर पसीना ज़्यादा होता है। इस तरह से ये सब आप बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आप ओवरवेट हैं, वज़न ज़्यादा है, तो वज़न ज़्यादा होने से आपके जो फोल्ड्स होंगे उसमें भी पसीना ज़्यादा आएगा और फंगल इन्फेक्शन होने का डर है। तो आपका वेट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी रहें दोस्तों। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखेंगे, और ये जो ट्रीटमेंट हमने बताया, अगर आपको कोई भी डाउट हो इस ट्रीटमेंट पे, मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर आप आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो पुट कर सकते हैं, जो आपके सजेशंस हैं वो डाल सकते हैं। और अगर आपको सजेशन चाहिए या आपको अपॉइंटमेंट चाहिए फॉर कंसल्टेशन, वो आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर में। माई स्टाफ एंड माई टीम विल गाइड यू फॉर दैट। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे आपको अच्छे वीडियोस और लाकर दे सकें। दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र अब आपसे आगे लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।